हेलो, हमारे यहाँ पे फैसल जो हमारे नए कमेंटेटर फैसल वानी के एडिटर है। हेलो हेलो फैसल। हाँ बोलिए बोलिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? फैसल, हमें आज आपसे केकेआर की डिस्क्रिप्शन चाहिए, उनका इस साल का प्रदर्शन कैसा रहा। हाँ, इस साल का प्रदर्शन केकेआर के लिए बहुत अच्छा था। उन्हें सिर्फ ये साल था, उन्हें देखना था कि उनके किन प्लेयरों में आगे बढ़ के अच्छी अपनी टीम के लिए करने की खासियत है। उन्होंने उसमें बहुत अच्छी सफलता ही हासिल की। उनके सबसे बड़े छुपे रुस्तम निकले, वो थे शुभमन गिल। उन्होंने अपने अंडर 19 के अनुभव से बहुत बेहतरीन अच्छी अपनी बल्लेबाजी दिखाई। उनमें और एक यंग युवा बल्लेबाज थे, उनका नाम था नीतीश राणा। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उन्होंने आईपीएल करियर के छोटे से एक्सपीरियंस की मदद से अपने केकेआर टीम के मिडल ऑर्डर को बहुत मजबूत किया। और उनके कप्तान तो लाजवाब ही थे। और फिनिशिंग का रोल आंद्रे रसल को दिया था, जिन्होंने 11 छक्के लगाए थे एक मैच में। फैसल, आप उनके बॉलिंग अटैक के बारे में कुछ बता सकते हैं? बॉलिंग अटैक, उनके पास तीन मिस्ट्री स्पिनर थे। एक थे अपने बेहतरीन बेहतरीन इंडिया टीम के कुलदीप यादव चाइना मैन गेंदबाज, और दूसरे और एक इंडिया टीम के गेंदबाज जो लीग स्पिनर थे वो थे चावला, और एक वेस्ट इंडीज जो कैरिबियन सी से आते हुए हैं, उनका पास तो बेहतरीन पावर है। वो हिटर के साथ एक अच्छे बेहतरीन ऑफ स्पिन और उनकी मिस्ट्रियस गेंदबाजी कोई नहीं जान सकता। थोड़ा सा वीक लगे तो हमें सिर्फ फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि स्टार की कमी थी और कुछ नहीं। कप्तानी बेहतरीन की, मिडल ऑर्डर बेहतरीन था, सिर्फ थोड़ी सी कमी खिली तो वो थी टॉप ऑर्डर में, क्योंकि लीन अच्छी शुरुआत ले रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रॉबिन उत्तपा हड़बड़ी में कैसे भी शॉट खेल के आउट हो रहे थे। बाउंसर पे नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने खेल में सुधार लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम मैं यहाँ पे अपना फैसल वानी ख़त्म करता हूँ, और आगे सेकेंड वीडियो में और भी मालूम लेके आऊँगा। आपका दोस्त फैसल वानी से लाइव। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, लाइक करें, थैंक यू।